अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पुलिस वाले पे गन लगाने का इल्जाम बातों बता रहे सर। सर मैं जानता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सर, और मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, पर कभी कभी सही करने के लिए बहुत कुछ गलत करना पड़ता है सर। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, मेरे लिए यही सही है सर। इस गलती की मुझे जो सजा मिल जाए मैं सह लूंगा, लेकिन अगर मेरी राधा को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर। ए रुक, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, गोली भी चलाता हूं। आराम था। अरे सुनो तो मेरी बात को, ये हाँ पान था। पता चला पान कितना हानिकारक होता है। पापा चलिए अंदर सर, चलिए मैडम, चलिए चलिए तुम लोग। ए, ठीक नहीं कर रहा तू। सर सारे गलत काम एक साथ ही कर लेता, मैं फुर्सत से सजा काट लूंगा। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, चलो घूम। हाँ जल्दी थाने में आ यार, ताला खोल। अरे जल्दी आ जा यार, तने बाद में बताऊंगा, जल्दी आ। जैसे कुछ होता है ना मुझे बता। प्यारी जी, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। कुछ भी हो जाए आपको मेरी मदद करनी ही होगी। सिर्फ मनन को ही नहीं, आपको मोहन जी और गुनगुन को भी वापस लाना ही होगा, और वो भी सही सलामत। अब मेरा सारा परिवार अब आपकी जिम्मेदारी है बाकी प्यारी जी। प्लीज मदद कीजिए, रक्षा कीजिए बाकी बिहारी जी।
एक मिनट। कहाँ घुसे आ रहे हो? कोई परमिशन नाम की कोई मियाँ कमेंट टाइप की कोई चीज होती है, कुछ पूछो भाई, कहो क्या घुसे, कहाँ घुसे? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तुम्हारी। अच्छा, पहले खुद ने इनवाइट किया और अब खुद ही भूल गए। कमाल है, शादी करने निकले हो और दुल्हन के परिवार वालों को देख के सरप्राइज हो रहे हो यार। बड़ी क्यूट बातें करते यार तुम। तुम वो नारियल के झाड़ की तरह सीधी नहीं हो ना कि मैं तुमको इनवाइट दूं और तुम उसको एक्सेप्ट कर लो और बदले में फूलों का गुलदस्ता लेके मेरे घर चली आओ और मुझे बोलो हैप्पी मैरिज योग, मैं तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूं, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं क्या कर रही हो आप। बात तो सही है तुम्हारी, मैं इतनी क्या, कितनी भी सीधी नहीं हूं। वो पता है हमको, अपने मतलब से आई हूं मैं। इस राधा से हमेशा से छुटकारा पाना चाहती थी। बहुत दर्द दिया इसने मोहन भैया को और हमारी फैमिली ने भी काफी सारी परेशानियां झेली हैं। और इसलिए मैं राधा को इस घर से जाते हुए देखने आई हूं, क्योंकि ये जाएगी तभी तो हमारे घर में शांति आएगी। और तुम टेंशन मत लो, इस बार हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलकर जाऊंगी। लगता नहीं वृंदावन से आई है तुम्हारी फैमिली, दिल्ली का पानी चढ़ रहा है। दही जाइए, नेक काम में देरी कैसी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम रुको यार मेरे पास, लड़कियों को बात करने दो। आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम नहीं, हम ना केतकी के बिना रह नहीं पाते हैं। ज्यादा बीवी बीवी मत किया करो, किसी दिन छोड़कर भागी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों छोड़ के भागेगी? हाँ ये भी बात ठीक है, तुम तो सारी अच्छी अच्छी बातें करते हो। शादी मुबारक हो रहा था, कोई आया ना आया राधा तुम्हारी शादी में, पर बाकी प्यार जी जरूर आएंगे। उनके आने से पहले एक तूफान आ जाएगा, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, पर बाकी बिहारी जी आने तक तुम्हें इस शादी को होने से टालना होगा राधा। मेरे बाकी बिहारी जी आएंगे मतलब मोहन जी आएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।